विधानसभा चुनाव में हुए मतदान की मतगणना को लेकर दुर्ग कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा कर कल होने जा रही मतगणना पर अपनी जानकारी दी, साथ ही मतगणना स्थल की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। दुर्ग विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन अब पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को दुर्ग कलेक्टर सभागार कक्ष में मीडिया से मुखातिब होते हुए दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने मतगणना स्थल के साथ ही काउंटिंग के लिए की जाने वाली तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मीडिया के लोगों ने दुर्ग कलेक्टर से मीडिया कर्मियों की सुविधा मुहैया कराने की बात कही, तो वहीं कुछ पत्रकारों ने स्थानीय लोगों को पास जारी नहीं किए जाने की बात रखी। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के लिए अलग अलग स्थान बनाने की बात कही, साथ ही नेटवर्क संबंधित सुविधाओं की होने की बात कही। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी है। हमने स्थल के लिए भी व्यवस्था अलग है और काउंटिंग एरिया के लिए भी व्यवस्था अलग है। हर एक 7 टेबल पे एक एआरओ की व्यवस्था की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर पूरी काउंटिंग के लिए जिम्मेदार रहेंगे अपने अपने विधानसभा के लिए। हर एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है ताकि पूरी काउंटिंग की जो प्रोसेस है स्मूथ रहे। सुरक्षा के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज की ड्यूटी लगाई गई है। पूरा काउंटिंग एरिया हमारा उन्हीं के सिक्योरिटी में है और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए विधानसभा क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की भरपूर संख्या में ड्यूटी लगाई गई। हमारे यहाँ पर 6 विधानसभाएं हैं जिनकी काउंटिंग कल हमारे यहाँ पर की जाएगी। उनमें से वो सबसे ज़्यादा जिस विधानसभा क्षेत्र में राउंड्स जा रहे हैं वो है अहिवारा। वहाँ पे 19 राउंड में काउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसके बाद में फिर वैशाली नगर में है 18, पाटन में है 18, फिर सबसे कम है भिलाई में, केवल 12 राउंड में भिलाई की काउंटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले रिजल्ट भिलाई का सभी को मिलता है। वीवीपैट की प्रोसेस ये होती है कि आरओ फिर 5 जो पोलिंग स्टेशन है उनको रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उनकी फिर काउंटिंग से उनसे मैच करते हैं, वो रैंडम बेसिस पर। लास्ट परिणाम देखिए, हर राउंड, पहला जो राउंड है हम मान के चल रहे हैं कि 45 मिनट में कम्प्लीट होगा, बाकी सारे राउंड्स आधे आधे घंटे में कम्प्लीट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हर एक जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें नंबर ऑफ राउंड्स को डिपेंड करता है कि कितना होगा। आप देख लीजिए आधे घंटे के हिसाब से हर राउंड में। ठीक, थैंक यू। ग्रैंड एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।